नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा यह पूरी तरह से गलत है और याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी पर बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भारत विरोधी स्टैंड लिया। डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की गई थी। इसने भारत में सुर्खियां बटोरी। ये डॉक्यूमेंट्री आगे बढ़ रहे भारत के खिलाफ गहरी साजिश का नतीजा है, जो कि भारत और मोदी विरोधी साजिश का परिणाम है। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित दो याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग थी। पहली बीबीसी पर प्रतिबंध की मांग वाली थी, दूसरी सोशल मीडिया पर लिंक हटाए जाने को लेकर प्रशांत भूषण, एन राम और महुआ मोइत्रा की याचिका थी। पिछले हफ्ते अदालत ने इस विषय पर दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें एक तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर की गई थी। इसमें सरकार से डॉक्यूमेंट्री का लिंक शेयर कर रहे ट्वीट्स को हटाने के अपने फैसले का रिकॉर्ड पेश करने को कहा था। इसके लिए सरकार को 3 हफ्ते का समय दिया गया था और मामले को अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अडानी हिंडनबर्ग के मुद्दे के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नियामक तंत्र यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में सुधार को लेकर केंद्र और सेबी के विचार मांगे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर सुझाव देने के लिए एक समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया। बेंच दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की जांच की मांग की गई थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने सेबी की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा यह सिर्फ एक खुला संवाद है, वो कोर्ट के सामने मामला लेकर आए हैं। चिंता की बात यह है कि हम भारतीय निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। सीजीआई ने कहा हर कोई अब बाजार में है, बताया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, हम कैसे सुनिश्चित करें कि वो सुरक्षित है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा ना हो। बेंच को जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बाजार नियामक सेबी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। शीर्ष अदालत ने दोनों जनहित याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है। गौतम अडानी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अपनी लड़ाई में अमेरिका की सबसे महंगी कानूनी फर्मों में से एक वॉकटेल को काम पर रखा है। वॉकटेल को कानूनी रूप से बचाव करने वाली फर्मों में सबसे आक्रामक माना जाता है। हाल में एलन मस्क ने इसी फर्म को ट्विटर सौदे के लिए काम पर रखा था। समझा जाता है कि अडानी ग्रुप कानूनी लड़ाई लड़कर अपने निवेशकों को समूह के स्वास्थ्य के बारे में आश्वस्त करना चाहता है। अडानी ग्रुप और वॉकटेल के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी है। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने न्यूयॉर्क वॉकटेल, लिप्टन, रोसेन और कार्ट्ज में वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं ली हैं। ऐसा इसलिए कि ये समूह हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उभरे संकट को दूर करने के लिए जुट रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने कहा है कि वो अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में हालिया गिरावट और संकट से निपटने की योजना के बारे में सफाई मांगेगी। LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी जल्द ही अडानी समूह के शीर्ष प्रबंधन से मिलेंगे। LIC की यह प्रतिक्रिया इसलिए आई है कि अडानी समूह की फर्मों के शेयरों में LIC के निवेश की विपक्षी दलों और निवेशकों ने आलोचना की है। ये आलोचना इसलिए की जा रही है कि क्या LIC ने अडानी की कंपनियों की आर्थिक स्थिति देखे बिना ही निवेश कर दिया। अडानी की कंपनियों की आर्थिक स्थिति को लेकर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह के खिलाफ कई आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि इसकी कंपनियां शेयर की कीमतों का प्रबंधन और हेरफेर करती हैं। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते समय गलती हुई और विधानसभा को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। दरअसल गहलोत ने गलती से पिछले साल के बजट का कुछ हिस्सा पढ़ दिया था। जब तक उनको इसका एहसास होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने विरोध में सदन के वेल में हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बजट लीक कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। BJP ने कहा कि बजट तकनीकी रूप से लीक हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने संवाददाताओं से बात करते हुए पूछा कि क्या बजट लीक हो गया है। उन्होंने कहा यह बजट नहीं पेश किया जा सकता है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा बजट की कॉपी मुख्यमंत्री के अलावा कोई और नहीं लाता है, लेकिन ये तो 4-5 हाथों से गुजरी है,
बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से नया बजट लाने की मांग की। विपक्षी बीजेपी के आरोपों का जवाब सीएम अशोक गहलोत ने दिया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत ने कहा कि आप यानी विपक्ष केवल तभी इशारा कर सकते हैं जब मेरे हाथ में बजट में और सदन के सदस्यों को दी गई उसकी प्रतियों में लिखे में कोई अंतर हो। अगर गलती से मेरे बजट की कॉपी में एक पन्ना जुड़ गया तो फिर बजट लीक होने की बात कैसे उठती है? सुप्रीम कोर्ट में दो और जजों की नियुक्ति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बाबत कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। दो नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 34 के साथ पूरी हो गई है। नए जजों की नियुक्ति के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच के साथ काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट काफी समय से जजों की कमी से जूझ रहा था, इस कारण उस पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। कोर्ट कई बार नए जजों की नियुक्ति की बात सरकार से कहता रहा है। आज यूपी इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और यूपी में निवेश की संभावनाओं पर बात की। पीएम ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर साझेदारी हो ही नहीं सकती। सरकार आज बुनियादी ढांचे पर रिकॉर्ड खर्च कर रही है और हर वर्ष इसको हम बढ़ा रहे हैं। आपके लिए बुनियादी ढांचे में निवेश के नए मौके बन रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में भी निवेश के अनेक अवसर हैं। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर जाना जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र के रास्ते गुजरात से जुड़ेगा। पीएम ने कहा, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता से है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल के परिणाम नजर आ रहे हैं। ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू की शुरुआत कर दी है। इस सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अब ₹650 हर महीने का भुगतान करना होगा। बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ही इसकी ब्लू टिक सेवा के बदले में पैसे चार्ज करने का ऐलान किया था। ट्विटर ने अपनी ब्लू टिक सर्विस को रीलॉन्च किया है। उसने वैश्विक स्तर पर 3 तरह के टिक्स लॉन्च किए हैं। इनमें सरकारी संस्थाओं के लिए ग्रे कलर, व्यक्तियों के लिए ब्लू और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए गोल्डन कलर के टिक शामिल हैं। इसके तहत अब भारत में ट्विटर की ब्लू टिक सेवा का इस्तेमाल करने पर हर महीने ₹650 खर्च करने होंगे। इस लिहाज से हर साल ₹7,800 खर्च करने होंगे। हालांकि ब्लू टिक का वार्षिक प्लान लेने पर 12% की छूट के साथ ये प्लान ₹6,800 में मिल सकता है। अमेरिका की सीनेट की विदेश मामलों की समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन को रूस के साथ भारत के संबंधों और इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के गिरते रुझान को संबोधित करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा जारी रिपोर्ट में एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का समर्थन करने का आह्वान भी किया गया है, क्योंकि चीन इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। सीनेट के विदेश मामलों के अध्यक्ष सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज ने कहा कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक को एक अच्छी तरह से पुनर्जीवित संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ संपर्क करने की जरूरत है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्टों के अनुसार तुर्की में बचाव कर्मी हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। भारतीय टीम भी राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही है। जीवित बचे लोगों को खोजने की संभावना अब कम हो गई है, क्योंकि 72 घंटे का समय जिसे विशेषज्ञ जान बचाने के लिए सबसे संभावित समय मानते हैं वो बीत चुका है। भारत भी तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में भारत से तुर्की भेजे गए NDRF के दल ने मलबे में दबी 6 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान सरकार और IMF 10 दिनों की लंबी और कठिन बातचीत के बाद भी किसी समझौते पर पहुंचने में अभी तक विफल रहे हैं। इससे आने वाले समय में मुल्क का नकदी संकट और गहरा सकता है। पाकिस्तान अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने गुरुवार को कहा कि 7 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की 9वीं समीक्षा को पूरा करने के लिए वो IMF के साथ पूर्व कार्रवाइयों के एक सेट पर सहमत हो गए हैं, लेकिन एक स्टाफ लेवल अग्रीमेंट 10 दिन की वार्ता के बाद भी मुश्किल रहा। वित्त सचिव हमीद याकूब शेख ने कहा कि सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया है और पूर्व की कार्रवाइयों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट को आने वाले दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई थी जो पाकिस्तान के जनादेश से परे थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने और किन बातों पर सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि इन सभी जानकारियों को संभवतः शुक्रवार को बताया जाएगा। IMF की टीम अब वापस जा रही है और इन मामलों को फंड के प्रबंधन को बताएगी, जिसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं।
शेख ने इसके साथ ही कहा कि दुर्भाग्य से वित्त मंत्री वादे के मुताबिक मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंड के प्रतिनिधिमंडल का मानना था कि वॉशिंगटन द्वारा समापन वक्तव्य को मंजूरी दिए जाने से पहले कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आज से महिला T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पहले दिन मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका की टीम श्रीलंका के साथ मुकाबले में उतर रही है। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे खेला जाएगा। विश्व कप में भारतीय टीम अपना अभियान 12 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ करेगी। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पर इस बार भी नजर रहेगी। वो अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड 6वीं बार इस खिताब को जीतना चाहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की सीरीज के पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन गुरुवार को खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन बनाए थे, जबकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 177 रनों पर सिमट गई थी। आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। रोहित शर्मा अर्धशतक बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।